Rolling. Action. ये असली मसालों को चुन चुन के बनाया जाता है। जब मैं तेरी उम्र का था ना तभी से वही स्वाद वही खुशबू है। मैं भी मुंशी पन्ना मसाले से खाना बनाती थी, तभी तो तेरे दादाजी ने मुझे पसंद किया। सामने देखिए सर, हटना यार। जर बोल लो तर बघा, एका ब्रांचमध्ये आम्ही 4 ते 5 जणं घेतो आणि 100 ब्रांचेस महाराष्ट्रात असेल तर 500 लोकांना व्यवसाय म्हणजे एम्प्लॉयमेंट भेटणार आहे। माझ्या हात में सागर मसाला आहे, सांबर। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा घर दिखाया है और हमारे प्रभाकर शुक्ला जी ने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स कंसीव किए हैं और उस हिसाब से जो शूटिंग चल रही है सुबह से इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सेम चीज, प्रभाकर इज़ अ वेरी नाइस डायरेक्टर। यस। और हमारी ये मुंशी पन्ना मसाले वाले जो हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छे लोग होते हैं उनका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। तो हमको तो खुशी है कि हम इसके साथ जुड़े हैं। बताइए। नितिन जी, ये ग्रैंड फादर का नाम है और मैं चौथी पीढ़ी हूँ। और मुंशी लाल जी और पन्ना लाल जी हमारे बाबा का नाम है और इस कार्य को लगभग आज़ादी से पूर्व, मैं कहूँ कई दशक, इस प्रोडक्ट को आगरा में रावतपाड़ा स्थित किराना बाज़ार में खड़े मसालों की बिक्री से इस कार्य को शुरू करा गया और लगभग 25 से 30 वर्ष का समय जो इसको ब्रांड का नाम दिया गया मुंशी पन्ना मसाले और ये कंपनी के तौर पर एक ब्रांड के रूप में करीब उत्तर प्रदेश के आसपास, राजस्थान जिला, राजस्थान की बात करूं और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो ये मौजूद ही है और अब कई ऐसी स्टेटों में, कई राज्यों में इसका विस्तार समय समय के साथ हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है और क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से जिनने इस मसाले को अपनाया? ये सारी चीज़ अनुभव पर भी निर्भर करती है और जैसा कि अगर आगरा की शहर की बात करूँ, आगरा प्रेम की नगरी से ताजमहल के जरिए आगरा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी जाना जाता है और मुग़ल शासन से ही नहीं, लगभग अगर बात करूँ पौराणिक काल से आगरा जनपद में मथुरा नगरी जो कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और निरंतर ये प्रेम के लिए भी जानी जाती है, उसी प्रकार आगरा में चाट पकौड़ी का जायका जो कि मसालों से उसमें स्वाद की गुणवत्ता और स्वाद से वो जाना जाता है, आगरा की चाट पकौड़ियाँ भी करीब भारत के कई कई जगह ये बहुत मशहूर है और इसमें अधिकतर मसालों का बहुत रोल रहता है। इसी प्रकार इसकी क्वालिटी को हम बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखते हैं जिसमें स्वच्छता, शुद्धता और जो प्रोडक्ट जहाँ उत्पाद होता है उसकी परचेजिंग हम लोग डायरेक्ट किसानों से वहीं से इसकी करके लाते हैं और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। गोविंद जी, फरीदा जी, मसाले की बात करते हैं तो घर में खाना वगैरह सब मसाले के साथ ही बनता है, आप दोनों हेल्थ कॉन्शियस है कि मसाले के खाने के कॉन्शियस? मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, हमारे घर में मसाले इस्तेमाल नहीं होते। मसाले में जो हमारे बेसिक हैं जैसे हल्दी, जीरा, राई और मेथी, इसी के इर्द गिर्द ही हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे घर में तो प्याज और लहसुन भी नहीं बनता, इस्तेमाल नहीं होता। सच में? हाँ। सो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं हम लोग और थोड़ा ट्रेडिशनल भी हैं। अब ये कुछ मसाले का मैंने ऐड किया है, अभी लेके जाके देखते हैं कि इनका स्वाद कैसा है, इनका इस्तेमाल कैसा है।
हम आपको इतने सालों से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी इससे सहमत होंगे, इसके पीछे यही राज है कि थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए इस उम्र में भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हेल्थ कॉन्शियस रहना जरूरी है। आप एक लाइफ को एंजॉय करना है तो हेल्थी होना तो जरूरी है। हाँ सही है, लेकिन हमारे लिए हेल्थी मेरे हिसाब से जीवन ऊपर वाले ने दिया है, खाओ पियो मस्त अपनों को अच्छा, खाना पीना अच्छा। और मेरा उसूल है, जब मैं शूट्स पे जाती हूँ सीरियल्स के उसके फिल्म्स के, तो मेरा खाना जाता है तकरीबन 10-12 लोग का साथ में घर से, तो सब साथ में बैठ के मतलब खुद भी खाते हैं लोगों को भी खिलाते हैं। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मैसेज दीजिए ऑडियंस को, मैसेज आप तो ना दीजिए, नहीं आप हाँ। तो हम तो ये कहते हैं खाओ पियो एक्सरसाइज करो और अपने क्या जॉगिंग करो योगा करो, लेकिन खाना पीना मत छोड़ो, खाओ अच्छे से और मस्त रहो। सर किन किन स्टेट्स में आप ये लॉन्च हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो महाराष्ट्र में आना चाहिए, महाराष्ट्र में भी लॉन्च की है स्थिति, और मध्य प्रदेश में इसको पूर्ण तरीके से अभी लॉन्च किया जा रहा है, और धीमे धीमे आज 5 प्रदेश में अपन है ही, और पूरे देश में इसको लॉन्च करने की संभावना बहुत जल्दी जल्दी इसकी तय करते जाएंगे। इट्स वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। पीपल आर वेरी नाइस, वेरी हार्ट वार्मिंग एंड वेलकमिंग, एंड बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम कर कर। और कुछ एक्सपीरियंस मसालों के साथ और यहाँ पे यू नो आपकी आपने कुछ बात की होगी जो मेकर्स हैं मसाले के साथ, ये क्या है इसके बाद आप मुंशी बन्ना, इसके मसाले पहले भी ट्राई किए हैं एंड दे आर वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छे हैं एंड सबको ट्राई करने ही चाहिए, सबको लेना भी चाहिए। अभी हमने जो अभी जो हमने कास्टिंग ले ली है दादा दादी हमने रोज प्ले किया है, मसाला 100 साल पुराना है तो बहुत समय थे, इसलिए दादा दादी फोकस किया है, कोई यंगस्टर हमने नहीं लिया, उनके बेस पे पूरा ऐड बनाया है कि पुराना है, पुराने लोग हैं समय से खा रहे हैं, इसकी पूरी थीम रखी हुई है। और इनके अभी 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छे आए हैं, जैसे सिकंजी सोडा इन्होंने बनाया, 2 साल में प्रोडक्ट रेडी हुआ, उसमें बस पानी में डालिए, इसमें सोडा भी है नींबू ये सब कुछ रेडी टू मूव। ऐसे एक मूंग दाल भजिया मसाला बनाया, आपको दाल भिगोने की जरूरत है, दाल ऑलरेडी है, आप आधे घंटे पहले दाल डालिए, जहाँ पे आलू डालिए गोभी डालिए, तो रेडी टू मूव। तो ऐसे प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग बनाए, आगे भी और भी नए नए कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं। और मैं इस कंपनी का पिछले आई थिंक 20-25 साल 30 साल से काम कर रहा हूँ, पैकेजिंग डिज़ाइन करी, लोगो डिज़ाइन किया, तो मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, जब से डे बाई डे राइज किया है, मेरे सामने ही किया है, जस्ट स्टार्ट किया था प्रोडक्ट में आए थे तो मेरे सामने राइजिंग किया, 20-25 साल में काफ़ी ऑल मार्केट में बहुत सारे सिटीज़ में आ चुके हैं। कितने प्रकार की सिक्सटी प्लस प्रोडक्ट है, और अब प्रोडक्ट की जितनी भी मसालों की अगर बात करें तो मसाले से ज़्यादा अब रेडी टू कुक पर भी कंपनी ध्यान दे रही है, सारे आइटम अब रेडी टू कुक के भी अब हम और ऐड करते जा रहे हैं, लगभग वो 20 प्रोडक्ट अभी लगभग साल भर की देर में वो भी आने वाली है। सर जो मार्केट है कितना बड़ा है, ये मार्केट आज से ही नहीं बहुत समय से भारत में मसाले की प्रसिद्धता अपने आप में भी एक बहुत पुरानी प्रसिद्धता है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की खोज मसाले के ही जरिए भारत की खोज की गई थी, और भारत में कृषि उत्पादन भूमि बहुत अधिक है, और भारत की जो कृषि है या भारत में मैं मसाले की बात करूं तो मसाले की जो गुणवत्ता है वो पूरे विश्व में उस जैसी गुणवत्ता या क्वालिटी का मानक वो पूरे विश्व में मसालों का कहीं नहीं बैठता जो भारत की बैठती है, तो मसाले की बहुत बड़ी दुनिया है और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, और अभी हम बात करें कोविड में भी मसालों ने ह्यूमिडिटी बढ़ाने का भी बहुत सारा साथ पूरी जनता को भी दिया है, अगर हल्दी भी एक आयुर्वेदिक की तरह एक रामबाण की तरह हल्दी का भी एक योगदान रहा है और जो कोविड में एक दवा के रूप में बहुत काम आई है। सर
काफ़ी पहले किया, काफ़ी पहले बहुत कुछ किया हुआ है। लास्ट टाइम अभी कुछ टाइम पहले जून में सिंपली फ्रेश के लिए भी ऐड किया था। एंड लाइक बचपन से ही कुछ ना कुछ होर्डिंग्स वगैरह एंड ब्रोशर्स एंड ऑल के लिए शूट काफ़ी कुछ किया हुआ है, रैम्प वॉक्स वगैरह एंड मॉडलिंग एंड ऑल। सो काफ़ी इसमें है स्टार्टिंग से ही। और मैंने तो भाई बहुत सारे ऐड फिल्मों की कास्टिंग की है, लेकिन जब ये हमारे अभिनव जी ये हमारे साहब इस प्रोडक्ट को लेके आए तो मुझे बड़ा अलग सा बड़ा प्यारा सा नाम दिखा, मुंशी पन्ना मसाला। तो मैं ऑडियंस या कनेक्ट करता है, जैसे मसाले तो बहुत सारे आ रहे हैं एवरीथिंग ये वो, बट इनका मसाले का जैसा नाम है मुंशी पन्ना मसाला वैसा ही टेस्ट है। ऑलरेडी मैं इसको यूज कर चुका हूँ। तो मैं बोला मेरे घर में मेरी घरवाली को मैंने बोला भाई इसको देखो मेरे इसका शूट करने जा रहा हूँ टेस्ट कैसा है, तो बनाया उन्होंने तो भाई लाजवाब। तो हम खाए, हमारे घर में रिश्तेदार भी काफ़ी आए थे, बड़े खुश हो गए। तो हमने कहा भाई ये तो हम काम कर रहे हैं, तो मैंने बड़े दिल से इस पर कास्ट भी किया और बड़ा मज़ा आ रहा है। शूट भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बॉस ने नाम में जो परंपरागत जो नाम में भी है उसको भी ध्यान रखते हुए शूट की जो कास्टिंग की है उसमें भी फैमिली फीलिंग को लेकर ध्यान रखा है। और रोल जितने भी प्ले हुए हैं दादा दादी वगैरह को पुरानी परंपरागत के हिसाब से रोल सारे प्ले हुए हैं। बाकी बहुत सारा शूट पेंडिंग है, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है शूट करके। आप एक फैमिली से बहुत नई फीलिंग है, शूट तो हम बहुत करते हैं, यहाँ पर कुछ नया मज़ा आ रहा है काम करके। थैंक यू।